नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ, गुरुवार को करें ये काम तो मिलेगी सफलता। भगवान श्री विष्णु जी और माँ सरस्वती दोनों की पूजा का दिन गुरुवार माना जाता है। एक ओर जहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे व पढ़ने लिखने वाले व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए माँ सरस्वती के पूजन का यह दिन है, वहीं राशि आधार पर यह दिन जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु के पूजन के लिए उपयुक्त दिन माना जाता है। दरिद्रता को जीवन का अभिशाप माना जा गया है। यहाँ तक कि गरीब रहना पाप करने के समान निंदनीय कार्य माना गया है। अतः इस दरिद्रता के अभिशाप से छुटकारा पाने और गरीबी के कलंक को मिटाने के लिए लक्ष्मी पति विष्णु को प्रसन्न करें। वैसे माना जाता है कि भगवान विष्णु आसानी से प्रसन्न नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी छोटे छोटे ऐसे कर्म हैं जो भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पंडितों के अनुसार इसके लिए सुबह उठकर नित्य कर्म के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का जाप करें और पीले वस्त्रों का प्रयोग करने के साथ ही पीली खाद्य सामग्री का ही प्रयोग करें। ऐसे प्रसन्न होते हैं भगवान विष्णु। इंसान धर्म का पालन करें और ईमानदारी का जीवन जिए। दूसरा, कठिनाई आने पर भी सत्य के मार्ग से नहीं हटें। तीसरा, इंद्रिय भोगों पर नियंत्रण रखते हुए सादगी व पवित्रता का जीवन जिए। चौथा, अपने खून पसीने की कमाई का कुछ भाग दुनिया को और भी सुंदर बनाने में खर्च करें। पांचवा, अपने कर्तव्य को पूरी तत्परता से करें और उसके परिणाम को भगवान की मर्जी समझकर स्वीकार करें। ज्ञान के बिना सफलता के लिए माँ सरस्वती का ध्यान करें। ज्ञान के बिना सफलता मिलना असंभव है, इसीलिए सफलता चाहने वाले को ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति के लिए सबसे पहले माता सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। पंडितों के अनुसार माँ सरस्वती पूजा करते समय सबसे पहले सरस्वती माता की प्रतिमा अथवा तस्वीर को सामने रखें। इसके बाद कलश स्थापित करके गणेश जी तथा नवग्रह की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसके बाद माता सरस्वती की पूजा करें। सरस्वती माता की पूजा करते समय उन्हें सबसे पहले आचमन और स्नान कराएं। इसके बाद माता को फूल माला चढ़ाएं। सरस्वती माता को सिंदूर अन्य श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा देवी सरस्वती श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, इसीलिए उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाएं। प्रसाद के रूप में मौसमी फलों के अलावा बूंदियाँ अर्पित करनी चाहिए। प्रतिदिन सुबह उठकर नित्य कर्म व स्नान से निवृत्त होकर माता सरस्वती के चित्र का पंचोपचार पूजन करें। कमल के फूल चढ़ाएं व सफ़ेद मिठाई को भोग लगाएं। कुश के आसन पर बैठकर स्फटिक या सफ़ेद चंदन की माला से इस मंत्र का जप करें। कम से कम 5 माला जप अवश्य करें। एक ही समय स्थान माला व आसन होने से शीर्घ लाभ होता है। सफ़ेद वस्त्रों को धारण करें। यह है माँ सरस्वती मंत्र। प्रथम भारती नाम द्वितीयम सरस्वती तृतीयम शारदा देवी चतुर्थ हंसवाहिनी पंचम जगती ख्याता षष्ठम बागेश्वरी तथा सप्तम कुमुदी प्रोक्ता अष्टम ब्रह्मचारिणी नवम बुद्धिदात्री चादशम वरदायिनी एकादशम चंद्रकांती द्वादशम भुवनेश्वरी दाद शेतानी नमानी त्रिसंध्यम च पठे नरा जियाग्रे वसंते नित्यम ब्रह्म रूपा सरस्वती। कुंडली में है गुरु के दोष तो ऐसे करें दूर। गुरुवार को पीले कपड़े पहने बिना नमक का भोजन करें और भगवान को पीले पकवानों का भोग लगाएं। गुरु बृहस्पति की प्रतिमा या फोटो को पीले वस्त्र पर विराजित कर पूजा करें। पूजा में केसरिया चंदन पीले चावल पीले फूल व प्रसाद में पीले पकवान और पीले फूल फल चढ़ाएं। गुरु मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। गुरु से जुड़ी पीली वस्तुओं का दान दें। गुरुवार को सूर्योदय से पहले उठें व स्नान के बाद भगवान विष्णु के सामने
घी का ज्योत जलाएं और विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। छठा, गुरुवार की शाम को केले के वृक्ष के नीचे ज्योत जलाएं। सातवां, गुरुवार को विशेष पूजा के बाद केसर का तिलक लगाएं या हल्दी का तिलक भी लगाया जा सकता है। आठवां, इस दिन केला ना खाएं। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।